नमस्कार। इस वक्त की ताजा खबरों के साथ मैं हूं ऋचा जैन खालरा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर खबर है कि एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है रायवाला स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर। हमें आधिकारिक सूचना मिल रही है कि यहां कम से कम 8 लोग हताहत हुए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें सरकारी वाहनों में अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम बहुत तेज गति से चल रहा है और जो लोग बाकी बचे हैं उन्हें सरकारी वाहनों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हेलो, कैसे हैं आप? सिस्टर पेशेंट का नाम क्या नाम है आपका? सर मेमोरी लॉस केस है। हो, एनी अदर पेशेंट? सर ये कैसी तबीयत है आपकी? सिस्टर, अब तो मैं घर जा सकता हूँ ना? हाँ भैया, आप जा सकते हैं। ठीक है जी। कमाल है, 1 महीना हो गया साथ साथ, पर तुमने कभी अपना नाम नहीं बताया। और तुमने भी कभी अपना नाम नहीं बताया। सारे घायल डिस्चार्ज होकर चले गए। पता नहीं इस लड़का और लड़की का क्या होगा। सर अभी तक तो दोनों को कुछ याद भी नहीं आया। सभी अखबारों लोकल टीवी में दोनों की सभी जगह फोटो दे दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। सर उनके पास कोई प्रूफ तो मिला होगा? नो, दोनों की जेबें खाली मिली। सर उन्होंने रिजर्वेशन तो करवाया ही होगा। लड़की मिली है ट्रेन के पहले डिब्बे में और लड़का मिला है ट्रेन के आखिरी डिब्बे में। आप एक काम करो, लड़के को लेके आओ, मैं बात करके देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। Okay. अरे आइए बैठिए। चाय मंगवाऊं आपके लिए? देखिए मैं जानता हूं आप किन हालातों से गुजर रहे हो,
क्या खुद को जानने की कोशिश की? हर पल कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कहिए क्या बात है? बैठिए प्लीज। हाँ शुक्रिया। अब बताइए क्या बात है डॉक्टर साहब। आपके हॉस्पिटल में जो कावेरी है ना। कावेरी? कौन कावेरी? अरे अरे वही जो ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी यादाश्त खो चुकी है। आप जानते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, वो मेरी भतीजी है। कहाँ है वो? आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ है? कमाल है, सरकार ने कितनी पब्लिसिटी की है, अखबार में, टीवी पर। पर वो तो अपनी यादाश्त खो चुकी है, आपको पहचाने की कैसे? अरे मैं तो पहचानता हूँ उसे। डॉक्टर साहब लगता है आप मुझ पर शक कर रहे हैं। यकीन करने की कोई वजह भी तो नजर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब लगता है कावेरी ने कोई लाल रंग की चीज देख ली है। क्या हुआ? खून! देखो किसी ने खून कर दिया, कितना सारा खून पड़ा है। खून! किसी ने खून कर दिया, कितना सारा खून पड़ा। अरे ये तो पेंट का डिब्बा है। अरे तो लाल रंग है। मैंने कहा था ना मेरी बच्ची कावेरी। बेटा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटा, आ आ। मैं तेरा रंजीत चाचा, पहचाना मुझे? मैं तेरा चाचा रंजीत, पहचाना बेटा? पहचाना मुझे? डॉक्टर साहब आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा, कावेरी की यादा जल्दी वापस आ जाएगी। दरअसल डॉक्टर साहब एक्सीडेंट के बाद। एक्सीडेंट? कब हुआ एक्सीडेंट? आज से एक साल पहले भैया भाभी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और कावेरी घायल हो गई थी। उस वक्त भैया भाभी को खून में लथपथ देखकर पागल सी हो गई। तो तभी से लाल रंग देखते ही। जी डॉक्टर साहब, परेशान ना हो मेरी बच्ची, कुदरत भी तेरा बार बार इम्तिहान ले रहा है, मगर तुझे हर इम्तिहान में पास होना है। सब ठीक हो जाएगा, सब याद आ जाएगा। उधर तेरी चाची का भी रो रो के बुरा हाल है। चल मेरी बच्ची। सिस्टर। यस सर। आप इन्हें कुछ कपड़े दे दीजिए और इन्हें अपने चाचा के साथ जाने दीजिए। चलिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और आपके स्टाफ ने जो मेरी कावेरी का फैमिली की तरह ख्याल रखा है, मैं उसका एहसान नहीं भुला पाऊंगा। आओ कावेरी, आओ
आ गया अपना घर? अरे घबराओ मत, आओ। ये कैसी जगह है बेटा? हम जंगल में रहते हैं ना। जंगल में क्यों? अरे भाई हमारे खेत खलियान जमीन जायदाद सब यहीं पे तो है। आओ आओ बेटा आओ। अरे घबराओ मत बेटा आओ। आओ बेटा आओ, आराम से आ जाओ। आओ आराम से देख के हैं। चाचा जी ये हम कहाँ जा रहे हैं? अरे घबराओ मत बेटा आ जाओ। चाचा जी ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आओ बेटा आओ अंदर। बैठ बेटा आराम से। चाचा जी चाची जी कहाँ हैं? बेटा वो शहर गई है। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लेके आता हूँ। हैं ले बेटा कावेरी खाना खा। अरे बेटा तू यहां पहले भी आ चुकी है, ये हमारा पुश्तैनी मकान है और कोठी तो हमारी शहर में है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल कोठी में भी लेके जाऊंगा। अभी तो खाना खा, मैं अभी आता हूं। हैं दो सबके सब। अरे तू क्या कर रहा है वहां बैठा हुआ? इधर खड़ा हो जा इधर दे। हाँ जग्गू देख जरा इधर उधर कोई है तो नहीं। हाँ अब तुम तीनों यहां बैठे रहोगे, कुछ काम भी कर लो। अरे सुन सर सर राम राम, आप टेंशन क्यों लेते हैं सर? काम समझो हो ही गया, चिड़िया बिल्कुल फंस चुकी है जाल में। अरे रे रे आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका रंजीत है तो है। अरे सर कहीं नहीं जाएगी वो लड़की, कहीं नहीं भाग सकती। वैसे उसका नाम मैंने कावेरी रखा है, एकदम कच्ची कली है। मजे की बात तो ये लड़की अपनी याददाश्त खोए हुए है। हेलो एक बात और भाई, बेशक तूने मुझे 50,000 एडवांस दिए हैं मगर 1,00,000 और लगेंगे। लड़की की फोटो तो मैंने तुम्हें पहले भेज ही दी है, गदराई हुई जवानी। पकड़ो पकड़ो उसे, लड़की भाग रही है, चलो पकड़ो भागो।
अरे जल्दी पकड़ो, भाग रही हो, भाग नहीं पाए। छोड़ो। छोड़ो। नहीं तू मेरे चाचा नहीं हो, छोड़ो। 10 दिन से तेरे पीछे लगा हूँ मैं, तेरी हर एक हरकत पर नजर रखी है मैंने। लाल रंग से डरती है ना तू? अरे पकड़ो पकड़ो इसे, भागने न पाई चाहिए, पकड़ो। अमीना अगर ये बच गए तो तुमको नहीं छोड़ूंगा, पकड़ो इसे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बचनी चाहिए, पकड़ो। बचाओ। पकड़ो। पकड़ो उसे। तुम्हारे हॉस्पिटल के जाने के बाद मैं भी वहां से चला गया था, पर तुम्हारा चाचा कहाँ है? वो मेरा चाचा नहीं है, वो मुझे हॉस्पिटल से लेके गया, उसके बाद मुझे यहाँ जंगल में ले आया और वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो मेरे चाचा नहीं है। चलो आओ। सुनो, वोरी वोरी, जाओ यहाँ से। पकड़ो उसे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे समझो बात को, वो लोग आ रहे हैं, तुम नहीं, जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, देखो वो लोग आ रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। आने दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊं? प्लीज यार जाओ, प्लीज प्लीज तुम जाओ। अरे जाओ प्लीज। मारो मारो साले को, और मार 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 से बहुत भाग रहा था, मार मार। अबे हाँ ये मार। हाँ, सही किया। अब पता चलेगा। चलो रे पड़े से चल। पकड़ो 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 पकड़ो। Ah!
अरे क्या हुआ? चाचा मैं तो कूद गई। कूद गई? कमबख्त, खुद तो कूद गई और मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। चलो आज मौसम बड़ा। ओए रुक रुक, वो देख नीचे। आजा आजा मेरे साथ, चल चल नीचे, भाग भाग जल्दी भाग। आजा आराम से संभल के। अरे यार इसको जिंदा है? हाँ उठा, हाथ लगा ना। हाँ अरे यार क्या कर रहा है? हाँ हाँ उठा यार, चल चल भाई। कौन हो तुम? कहां से आए हो? और ये इतनी सारी चोट कहां से लगी है तुम्हें? जाना कहां है तुम्हें? हे भगवान, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, क्या करे मुनक्का। उठो चलो उठो, आराम से धीरे धीरे चलो चलो चलो। देखो संभल के। भगवान बेटी, तुम अकेली थी या तुम्हारे साथ कोई और भी था? बोलो बेटा, घबराओ मत, बताओ। बाबा आप मेरे से पूछ लेते ना कि मेरे साथ कौन थे? मेरे साथ ये थे। बेटा तुम्हें तो पता होगा ना तुम कौन हो, कहां से आए हो? अरे वाह, आज तो गांव में मेला सा लगा हुआ है। प्रणाम बाबा जी। आए ये कौन है बाबा जी? इसको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ याद आया, पर कहाँ देखा है कुछ पता नहीं। बाबा जी
याद नहीं आ रहा इसको कहाँ देखा है। याद आ जा, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है बाबूजी, मेरा दिमाग हैंग हो गया है लगता है। बैठ, गुमानी बैठ जा। नमस्ते। अच्छा, तुम लोग एक काम करो, इन दोनों को बैठ जी के पास ले जाओ और इनकी मरहम पट्टी कराओ। अच्छा, अब जाओ। बाबा जी, पता नहीं मुझे क्यों लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? गुमानी बैठ जाओ, बैठ। ओके, ओ बैठ जाता हूँ। बाबा जी नमस्ते, लाओ। कहाँ मिली है गौरी मैम? अरे नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। और ये छैला तुझे कहाँ मिला? छैला मत बोल, गबरू है गबरू। हाँ जो भी है, लेकर तो ऐसे आ रही थी जैसे अभी सात फेरे ले लेगी। और तू चिपक के तो ऐसे बैठा था गौरी मैम के साथ जैसे अभी शादी करके लेके आया हो। समय का कुछ नहीं पता मुनक्का, कुछ भी हो सकता है। पता तो कुछ भी नहीं है। बात सुन चंदन, मुनक्का के होते हुए ना तू ऐसा सोच भी नहीं सकता। गौरी मैम को मैं अपने घर ले जाऊंगी। ले जा। गबरू को तू ले जा अपने घर। फालतू ना बोल, ये मंदिर में रहेगा बाबा के साथ। मैंने इनकी मरहम पट्टी कर दी है, अब इन्हें जो है ना टाइम से दवाई देना। मैं दवाई दे रहा हूँ इनको। जो बेटा। ध्यान से, ध्यान से। धीरे धीरे जाओ। आ जाओ। आराम से, आराम से। बस। देखो सुमल के, बस आ ही गए हम। चलो चलो, आजो आजो अंदर। चलो माँ, आज से ये यही रहेगी। कौन है ये? पता नहीं। नाम क्या है इसका? पता नहीं। अच्छा ये बताइए, कहाँ की रहने वाली है? अभी कुछ पता नहीं। फिर? अरे माँ बता दूंगी, बता दूंगी, पहले अंदर तो जाने दो। चलो। हे भगवान, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अच्छा चल ठीक है, अपने कपड़े दे दे इसे। ठीक है माँ। ए हीरो, ये ले, पहन ले। बिल्कुल, सभी ऐसे ही प्रश्न कर रहे हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं है। ये कौन है, कहां से आया, इसके साथ क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं पता। बाबा जी, आपके गुमानी को सब पता है कि ये कौन है। अखबार में इन दोनों की फोटो छपी है। ट्रेन एक्सीडेंट में ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। ओहो, तो ये बात है। अच्छा तो इन्हें चोट कैसे लगी? रणजीत वो जिस्म फरोशी रणजीत। लड़की को धोखे से अस्पताल से ले गया था, मैंने उसको बचाया तो ये सब हुआ। अच्छा तो ये है चक्कर। तुम एक काम करो, जाओ भोजन करो। बाबा जी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। अबे ओ गुमानी, तुझे चढ़ गई है, जा तू। ओए चंदन के बच्चे, कोई ऐसी चीज नहीं बनी दुनिया में जो गुमानी पर चढ़ जाए। मैंने कहा ना इसको देखा है तो मतलब
देखा है। कहाँ देखा है? हाँ बाबा ये बिल्कुल सही, इसे मैंने हाँ पता नहीं बाबा जी, मेरे दिमाग के नेटवर्क के साथ साथ मेरा टावर भी फाल हो गया। अच्छा बाबा जी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी लेनी चाहिए है? गुमानी तू एक काम कर, बताइए घर जा, ओके सुबह बात करेंगे। ओके ओके ओके। ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। प्रणाम बाबा जी। नाग देवता सबकी रक्षा करें। जैसा कि आप सभी को पता है ये दोनों बालक तकदीर के मारे हैं, परंतु इन पर ईश्वर की विशेष कृपा है, तभी तो ये देवभूमि में आए हैं और हम सभी को इनकी सहायता करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सत्य वचन बाबा जी। तो सबसे पहले इन बालकों को पहचान देनी होगी, इन्हें कोई नाम देना होगा ताकि इन्हें उस नाम से पुकारा जा सके। बाबा जी लड़के का नाम दीपक और लड़की का नाम ज्योति। बाबा जी इनका माला भी हो सकता है। एक मिनट। भाइयों जब हमारे सामने इतने प्रकांड विद्वान महान आत्मा बैठे हैं तो इनका नाम ये बताएंगे क्यों भाई लोग हैं? और किसी को कोई ऐतराज हो तो हाथ खड़ा करो हैं? बाबा जी आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इनका नाम बताइए। तो आज से इस बालक का नाम देव और बालिका का नाम भूमि होगा। वाह अति सुंदर बाबा, अति सुंदर। क्यों भाई लोगों सबको मंजूर है ना? तो आज से इन दोनों का नाम देव भूमि। नाग देवता की जय। नाग देवता की जय। नाग देवता की जय। अरे तुम आओ बैठो ना। लगता है किसी की दाल गलते गलते रह गई। देख मुनक्का तुझे भी पता है ये परदेसी तेरे हाथ नहीं आने वाला। और चंदन तुझे क्या लगता है ये लड़की तेरे हाथ आने वाली है? अरे जा। तू मेरे लिए क्यों परेशान होती है? एक बात याद रख, तुझे इस दुनिया में मुनक्का जैसी कोई और नहीं मिलने वाली। ओहो अच्छा चल। पर क्या करूं? ये साला मेरा दिल इस परदेसी पे जो हो गया है। चल छोड़ छोड़ चंदन। भूमि कितना प्यारा नाम है ना। और देव तो और भी प्यारा नाम है। यहाँ कितना सुकून मिलता है ना। हाँ और इस गांव के लोग भी कितने अच्छे हैं ना। हाँ और बाबा के तो क्या ही कहने। बाबा तो देव तुल्य हैं। पर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है भूमि। सही कह रहे हो देव। देखो ना कल तक हम दोनों एक दूसरे से कितने अनजान थे। हाँ और कितने परेशान भी थे। और आज ऐसा लगता है जैसे सब अपने हैं। भूमि
तुझे देखूं तो दिल को बड़ा चैन आ जाए, ना देखूं जो तुझको मेरा दिल घबराए। तुझे देखूं तो संभालूं दिल को, कैसे संभालूं दिल को तेरी ओर खिंचा जाए। तुझे देखूं तो दिल को बड़ा चैन आ जाए, ना देखूं जो तुझको मेरा दिल घबराए। सका जाने क्यों रूबरू, जबकि मेरी नजर में है बस तू ही तू। तुमसे हो ना सका जाने क्यों रूबरू, जबकि मेरी नजर में है बस तू ही तू। तेरी आशिकी तेरी ओर खिंचा जाए। तुझे देखूं तो दिल को बड़ा चैन आ जाए, ना देखूं जो तुझको मेरा दिल घबराए। मेरा दिल तेरा दीवाना, तुझ पे ही प्यार आए। हो मेरा दिल तेरा दीवाना, तुझ पे ही प्यार आए। कैसे संभालूं दिल को, कैसे संभालूं दिल को तेरी ओर खिंचा जाए। तुझे देखूं तो संभालूं दिल को, कैसे संभालूं दिल को तेरी ओर खिंचा जाए। तुझे देखूं तो दिल को बड़ा चैन आ जाए, ना देखूं जो तुझको मेरा दिल घबराए। मेरा दिल घबराए, मेरा दिल घबराए।